हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग अपना एन्चेंटमेंट सेटअप कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद एन्चेंटिंग चालू करेंगे अपने नए डायमंड गियर पे। तो आइए सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। बस एक बुक शेल्फ बाकी थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने तो अपने साथ थोड़े से बुक्स ले आए हैं ताकि उस पर देखा जाए हमें क्या क्या एन्चेंटमेंट मिलती है। वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें। इम्पेलिंग 1, प्रोटेक्शन 2, पंच 2। मुझे पंच चाहिए तो मैं पंच ले लेता हूँ। ये पंच 2। अगली बुक लगाते हैं, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, इम्पेलिंग 2, एक्वा एफिनिटी। मैंने विलेजरों से ट्रेडिंग करके बहुत एक्वा एफिनिटी पा ली है तो मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लेता हूँ। ये एक अब है, फिर एक्वा एफिनिटी, एफिशिएंसी 2, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी अच्छी है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। इम्पेलिंग 2, रेस्पिरेशन 2, नॉकबैक। नॉकबैक चाहिए। इस पे क्या मिलता है? पंच, एक्वा एफिनिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन हाँ, बस अभी 298 XP है, अभी बहुत है। इस पे एक्वा एफिनिटी, क्विक चार्ज, फायर प्रोटेक्शन। हाँ, ये नदर में काम आएगी। बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स भी मिल गया, अच्छी बात है। फेदर फॉलिंग, अनब्रेकिंग, फेदर फॉलिंग, इफिशिएंसी, लक ऑफ सी, लक ऑफ सी। अभी फिशिंग जब करूँगा तब। ओ, इस पे पार 3 और नॉकबैक 2 भी आ गई, चलिए अच्छी बात है। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 3, फेदर फॉलिंग, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, पावर 2 भी मिल गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन 3, रेस्पिरेशन 3। वो इस पे इम्पेलिंग 5, रॉयल्टी 3, फायर एसेप्ट 2। इस पे अच्छी एन्चेंटमेंट मिली है। फेदर फॉलिंग 4 ये लेना पड़ेगा। प्रिसाइजिंग, प्रिसाइजिंग ये आखिरी बुक। फायर प्रोटेक्शन 4 इसे ले लेता हूँ। अभी भी हमारे पास 277 XP है तो मैं सबसे पहले एक डायमंड गियर पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद बाकी का एन्चेंटमेंट करता हूँ। पहले जो सब एन्चेंटेड बुक्स हैं उन्हें पहले अच्छे से रख दूँ। पता नहीं कि मैं इतने पूरे एन्चेंटेड बुक्स यूज़ कर पाऊँगा अभी कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। डायमंड्स तो बहुत है मेरे पास। ये पूरा डायमंड आर्मर हो गया। अब एक स्वॉर्ड और पिकेक्स को भी एन्चेंट कर देंगे हम लोग। क्राफ्टिंग स्टफ्स ये। स्टिक, ये रहा डायमंड स्वॉर्ड, ये रही पिकेक्स।
तो आइए आगे का भी एन्चेंटमेंट करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं अपनी तलवार से। लूटिंग शार्पनेस अनब्रेकिंग, शार्प दोनों का तो शार्पनेस 5 हो जाएगा। इसी को करेंगे एंचेंट। मेरा मतलब है कि रिपेयर। इस पे फॉर्चून 2 मिल रहा है, इसे ले लेता हूँ। इफिशिएंसी 3 भी मिल गई है, बढ़िया। अब डायमंड हेलमेट कुछ अच्छा मिल जाए। फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन दे लेते हैं। रेस्पिरेशन 3 भी मिल गया। प्रोटेक्शन 1, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, नेदर में काम आएगा। थॉर्न्स भी मिल गया जो कि अच्छा एन्चेंटमेंट है। प्रोटेक्शन 3 ले लेते हैं, इस पर भी थॉर्न्स मिल गया, अच्छा है। डेप्थ स्ट्राइडर ले लेते हैं। अब हम सोच रहा हूँ कि जो मैंने अभी पहना है उसे भी एंचेंट कर दूँ, तो आइए कर ही देते हैं। वैसे भी एक्सपी बहुत है हमारे पास। थोड़ा सा लैपिस, ये हेलमेट, रेस्पिरेशन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लेते हैं। इस पे थॉर्न्स मिल रहा है, फायर प्रोटेक्शन भी मिल गया, इस पे भी थॉर्न्स मिल रहा है, इस पे अनब्रेकिंग, इस पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमने एन्चेंटमेंट तो कर ली, लेकिन हमारे पास तब भी बहुत ज़्यादा एक्सपी बच गया है। तो सोच रहा हूँ थोड़ी रिपेयरिंग भी कर लूँ। पहले पहन लेते हैं आर्मर, ये पूरा एन्चेंटेड आर्मर हो गया हम लोग के पास। मैंने 2 एनविल बनाई थी, आइए इसे यूज़ करते हैं। शार्पनेस 4, 23 और ऐसे बस 5, तो ये 5 वाला ले लेते हैं। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं नेक्रोसॉर्ड। नेक्रो सॉर्ड 2 एक्सपी बस। तो मैं उस पे लगाऊंगा ये नई। हाँ, तो मैंने अब 8 आर्मर स्टैंड बना लिया है, जिसमें से 6 यहाँ रख दिया है, 2 अभी, बस अभी 2 ही यूज़ करते हैं। ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है जगह भरने से। ये एक यहाँ, एक यहाँ। चलो फटाफट पहन लो। और ये जूते, तो हम लोग पास 2 एंचेंटेड डायमंड गियर हो चुका है। शील्ड से एंचेंट हो सकते हैं क्या, अनब्रेकिंग या और किसी चीज़ से? ये देखते हैं एंचेंटेड बुक्स कहाँ है।
ये रहा, किसी पे अनब्रेकिंग आया है, मेंडिंग है एक, नॉकबैक, नहीं अनब्रेकिंग नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अपनी शील्ड थोड़ी रिपेयर कर, नहीं ज़रूरत है नहीं वैसे। तो सोच रहा हूँ एक आयरन आर्मर भी पूरा एनचेंट कर दूँ। वैसे क्या जाता है एनचेंट करने से, आयरन है। कभी नॉर्मल एक्सप्लोर करूँगा तो उसमें इस्तेमाल करूँगा। कहाँ गया, ये रहा टोपी, ये रहा चेस्ट प्लेट, ये पैंट और ये जूते। तलवार भी बना ले क्या? तलवार भी ले लेता हूँ। लैपिस, ये रहा आयरन, इस पे बीन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स और शार्पनेस, इस पे बस वही मिला। हेलमेट पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन, ये बढ़िया रहेगा। चेस्ट प्लेट पे थॉर्न्स और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी बढ़िया। फायर प्रोटेक्शन ये भी ले लेते हैं। इस पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, इससे भी ले, अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया साथ में, बढ़िया। क्यों ना एक और आयरन स्वॉर्ड बनाई जाए और उसे भी एंचेंट करके रिपेयर कर दिया जाए इस वाले के साथ, तो वो भी एक अच्छी खासी तलवार बन जाएगी। दो बना लेते हैं, दोनों रिपेयर कर दिया जाएगा, दोनों नहीं तीनों। दूसरी तलवार, शार्पनेस, स्माइट, इस पे भी बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, कोई बात नहीं। वाह, फायर एसेप्ट 2, लूटिंग 2, नॉकबैक, बढ़िया। इस पे क्या मिल रहा है, इस पे भी बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। सब आयरन स्वॉर्ड पे ही देना है क्या? इस पे भी बस वही मिलता है, इसको कोई फायदा नहीं है रिपेयर करने का। ग्राइंड स्टोन, ये अब इसे दोबारा एंचेंट करते हैं, क्या मिलेगा? लूटिंग 3, ये बढ़िया है। शार्पनेस पर बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड से इनकॉम्पैक्टिबल, रिपेयर हो नहीं सकता। चलिए कोई नहीं, कभी ना कभी तो यूज़ करूँगा ही। तोड़ क्यों रहा हूँ? मेरा कहाँ एनविल, ये यहाँ, ये यहाँ, बाइसेक्स भी, और ऐसे दो, मात्र दो। देखा जाए होता है कि नहीं। हाँ, इनकॉम्पैक्टिबल नहीं, ये हो सकता है। ऐसे 13, ऐसे 5, शार्पनेस हट गई, लूटिंग आ गई इस पे। चलिए अच्छा, एक और अच्छा स्वॉर्ड हम लोग के पास,
इसे भी इस पे चढ़ा देता हूँ, गैस पे। कच्छा और ये जूते भी लगा देता हूँ, ये बस एक अच्छा सा आयरन आर्मर भी हो गया। तो सोच रहा हूँ कि अपने इस डायमंड सॉर्ड पे भी मेंडिंग लगा दूँ, जो हमारे पास एक ठो रख के कोई फ़ायदा है नहीं। कहाँ है मेंड एंचेंटेड बुक्स, ये शार्पनेस 5 मेंडिंग। कहाँ गया एनवेलिया, स्वॉर्ड और मेंडिंग। मात्र 3 XP और हमारी OP स्वॉर्ड तैयार हो चुकी है। तो गाइस, हम मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में हम क्या करें। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग नेदर डायमेंशन में जाएं और वहाँ पे अपने लिए नेदराइट जादी से कलेक्ट करके लाएं और उसका एक अच्छा आर्मर बनाया जाए, वो भी एनचेंटेड। उसके बाद हम लोग करेंगे विदर से फाइट, उसके बाद थोड़ी और प्रिपरेशन, उसके बाद एंडर ड्रैगन से मुकाबला होगा हम लोग का, अगर ज़िंदा रहा तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।